55 साल पहले जहां उतरा था अपोलो 11, वैज्ञानिकों को वहां मिली गुफा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बन सकता है नया ठिकाना। चांद की गुफाएं भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों का ठिकाना बन सकती हैं। वैज्ञानियों ने चंद्रमा पर एक गुफा मिलने की पुष्टि की है। ये गुफा चांद पर उस स्थान से ज्यादा दूर नहीं है जहां 55 वर्ष पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने मून वॉक किया था। भविष्य में अंतरिक्ष यात्री ले सकते हैं आश्रय। वैज्ञानियों के अनुसार चांद पर सैकड़ों और गुफाएं हो सकती हैं जिनमें भविष्य में अंतरिक्ष यात्री आश्रय ले सकते हैं। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। इतावली विज्ञानियों के नेतृत्व में एक टीम ने सोमवार को बताया कि चंद्रमा पर सबसे गहरे ज्ञात गड्ढे से एक बड़ी गुफा तक पहुंचने के साक्ष्य मिले हैं। यह अपोलो 11 के लैंडिंग स्थल से केवल 250 मील यानी कि 400 किलोमीटर दूर सी ऑफ ट्रैक्युलिटी में है। चंद्रमा पर सबसे गहरा गड्ढा है मारे ट्रैक्युलिटिस गड्ढा चंद्रमा पर सबसे गहरा ज्ञात गड्ढा है। ये गड्ढा वहां खोजे गए 200 से अधिक अन्य गड्ढों की तरह एक लावा ट्यूब के ढहने से बना था। शोधार्थियों ने नासा के लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर द्वारा रडार मापों का विश्लेषण किया और पृथ्वी पर लावों ट्यूबों के साथ परिणामों की तुलना की। उनके निष्कर्ष नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। करीब 40 मिनट चौड़ी गुफा, वैज्ञानियों के अनुसार रडार डाटा गुफा के केवल प्रारंभिक भाग को ही दर्शाया है। अनुमान है कि ये गुफा कम से कम 40 मीटर चौड़ी है। निष्कर्षों से पता चलता है कि चंद्रमा पर सैकड़ों गुफाएं हो सकती हैं। ऐसी जगहें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्राकृतिक आश्रय के रूप में काम कर सकती हैं जो उन्हें ब्रह्मांडीय किरणों और सौर विकिरण के साथ साथ सूक्ष्म उल्का पिंडों के हमलों से बचाएंगी।